और जितना आप पढ़ेंगे आपकी बेरोजगार होने की संभावना उससे उतना ही बढ़ेगी। ऐसे आंकड़े आ रहे जो बहुत डरावने हैं। तो आप बताइए कि एक युवा जो विश्वविद्यालय में आज की सोचता है वो कहाँ जाएगा, वो कितना हताश होगा। दूसरी तरफ ये सरकार के अप्रोच देखिए कि जब कोई वैकेंसी आती है तो उसके लगातार पेपर लीक हो जाते हैं। नई सरकार से अपेक्षाएं युवाओं को कि जिस अनुपात में हमारी संख्या बढ़ रही है, जनसंख्या युवाओं की बढ़ रही है, उसमें रोजगार दर इनको बढ़ाना चाहिए, महंगाई पे थोड़ा अंकुश लगाना चाहिए और शिक्षा सस्ती हो। शिक्षा का जो स्तर है, जैसे महंगाई यहाँ पे हम लोग विश्वविद्यालय में फीस बढ़ा दे रहे हैं लोग, किफ़ायती शिक्षा, मालवीय जी की स्थापना करने का उद्देश्य यही था कि यहाँ पर किफ़ायती शिक्षा मिले, कि राजा का लड़का भी इंट्रेंस दे और एक भिखारी का लड़का भी इंट्रेंस दे और उसको इतनी हम किफ़ायती शिक्षा दें कि उसको आर्थिक बहुत दबाव ना पड़े। खासतौर से बलिया गाजीपुर जैसे क्षेत्र में आप देखते हैं तो यहाँ के युवा मतलब बचपन से उनका सपना रहता है कि हम जाएंगे नौकरी करेंगे, फौज की नौकरी करेंगे, सैनिक बनेंगे। लेकिन इस सरकार ने जो अग्निवीर योजना लाई है, 4 साल की योजना लाई है, उससे युवा पर खासा प्रभाव पड़ा है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं क्षितिज कांत। वाराणसी के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर हूं, बिरला बी छात्रावास में। हमारे साथ तमाम छात्र हैं। एक तरफ मई जून की गर्मी में देश की राजनीति एकदम से गर्माई हुई है, 7वें चरण का मतदान 1 जून को होना है और 4 जून को देश अपना प्रधानमंत्री चुनने जा रहा। हम यहाँ पर आए हुए हैं उत्तर प्रदेश के तमाम अलग अलग हिस्सों से, यहाँ पर बनारस में आकर के छात्र पढ़ते हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। और दूसरी बात कर ले, उत्तर प्रदेश की भी बात ना करके अगर देश की बात कर ले तो भी इंटेलेक्चुअल क्लास देश भर का यहाँ पर होता है और एशिया में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी अगर भारत की अगर मानी जाए तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। लगभग 40,000 से ज़्यादा छात्र यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। तो बात कर लेते हैं कि किन मुद्दों पर इस बार छात्र वोट कर रहा है और दूसरी बात क्या कुछ नई सरकार में देखते हैं ये लोग, इस पर भी बात करेंगे। शुरुआत आपसे कर लेते हैं, नाम आपका? जी मैं मृत्युंजय तिवारी हूँ, शोध छात्र हिंदी विभाग में। पंडित जी कहाँ पर रहते हैं? यहीं बिरला बी छात्रावास में रहते हैं। घर कहाँ हुआ आपका? बलिया। बलिया, बलिया। क्या मुद्दे रहे, वोट डालने गए थे? वोट तो कल है, अभी जाऊँगा। डालने जाएंगे जी, तो क्या मुद्दे चल रहे हैं दिमाग में? देखिए मुद्दे तो हम लोग युवा हैं, हम लोगों के पास वैश्विक मुद्दे ही रहेंगे, राष्ट्रीय मुद्दे रहेंगे। स्थानीय मुद्दों पर हम लोग बात करें तो ये हम लोगों की मतलब शिक्षा की तौहीन ही मानी जाएगी। तो देखिए युवाओं का मूल मुद्दा तो रहता है शिक्षा, रोजगार, महंगाई और राष्ट्र में युवाओं की भूमिका। तो हम लोग यही मुद्दे हैं और हम लोग विकास पे को प्रीफर कर रहे हैं, बेरोजगारी को प्रीफर कर रहे हैं कि जो जिन सरकारों में हम लोग देखेंगे कि जिन सरकारों के मुख्य में युवा रहेगा, मध्य वर्ग रहेगा, निम्न वर्ग रहेगा, गरीब पिछड़ा रहेगा, उसको हम लोग वोट करेंगे। तो इस सरकार में ये सब चीज़ें रही हैं कि नहीं? हाँ, सरकार तो काम कर ही रही है, सरकार लगातार युवाओं को लेकर चल रही है, सरकार गरीबों को लेकर चल रही है और सरकार में कानून व्यवस्था भी चुस्त दुरुस्त है, इसलिए हम लोग सरकार को प्रीफर करेंगे और उम्मीद करेंगे कुछ कमियां हैं सरकार सुधारे। यही विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं जी? महिलाएँ भी मित्र होंगी? महिलाएँ हैं, सहपाठी हैं, मित्र हैं, क्यों नहीं मित्र हैं। अब मैं यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में घूम रहा था तो वाराणसी में ही बैठ करके मणिपुर के मुद्दे पर बात हो जाती है, यहाँ के यूनिवर्सिटी के बच्चे बात करते हैं? एकदम बात करते हैं। ये भी मुद्दा होने वाला चुनाव में? देखिए जो जहाँ भी मणिपुर का जो मुद्दा हुआ हम लोगों ने कड़ी निंदा की उसकी, पूरा देश उसकी निंदा किया, भत्सना किया और उसकी तो हम लोग कड़ी कार्रवाई की मांग किया। यहाँ से हम लोगों ने काफ़ी आवाज़ उठाया था और देश में कहीं भी कोई किसी भी महिला के साथ या किसी भी पुरुष के साथ किसी गरीब के साथ गलत हो रहा है तो ये सबको इस पर बात करनी चाहिए। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी तो काफ़ी इंटेलेक्चुअल क्लास का एक गढ़ माना जाता है, यहाँ पे पूरे देश भर में अलग अलग क्षेत्रों में जा करके यहाँ से मैक्सिमम नंबर में छात्र होते हैं बड़ी बड़ी पोस्टों पर। इसकी अलग बात कर ली जाए, कुछ ही दिन पहले एक महिला का, एक लड़की का मामला आता है जिसमें 3 भाजपा के यहीं के नेता उसमें शामिल होते हैं, उस पर भी आपने निंदा की थी? बता रहे, एकदम निंदा करते हैं हम। और देखिए अपराधियों की कोई पार्टी, कोई संगठन, कोई दल नहीं होता। दुर्भाग्य था कि वो सब कहीं ना कहीं से जुड़े थे तो उनको पुलिस ने सलाखों के पीछे भेजा और हम छात्रों ने भारी विरोध किया था उसका कि उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। और वो सब विश्वविद्यालय के छात्र नहीं थे, वो सब बाहरी थे और बाहरी छात्र आके विश्वविद्यालय में इस तरह की हरकत किया, इसका तो हम लोगों ने कड़ा विरोध भी दर्ज कराया था और हम लोगों ने कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की और दिखने को आया कि वो सब जेल में है, उन सब गैंगस्टर की कार्रवाई भी सरकार ने। नई सरकार जो बनती है उसमें क्या देखते हैं आपने, क्या होना चाहिए? नई सरकार से अपेक्षाएं युवाओं को कि जिस अनुपात में हमारी संख्या बढ़ रही है, जनसंख्या युवाओं की बढ़ रही है, उसमें रोजगार दर इनको बढ़ाना चाहिए, महंगाई पे थोड़ा अंकुश लगाना चाहिए और शिक्षा सस्ती हो। शिक्षा का जो स्तर है, जैसे महंगाई यहाँ पे हम लोग विश्वविद्यालय में फीस बढ़ा दे रहे हैं लोग, किफ़ायती शिक्षा, मालवीय जी की स्थापना करने का उद्देश्य यही था कि यहाँ पर किफ़ायती शिक्षा मिले, कि राजा का लड़का भी इंट्रेंस दे और एक भिखारी का लड़का भी इंट्रेंस दे और उसको इतनी हम किफ़ायती शिक्षा दें कि उसको आर्थिक बहुत दबाव ना पड़े। और यहाँ पर शिक्षा तो मिल रही है लेकिन बहुत
पैसे की उगाही वर्तमान कुलपति महोदय के द्वारा किया जा रहा है, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। सरकार से अपेक्षा करेंगे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब किफायती ही हो, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए इस पर। अच्छा, दो मैनिफेस्टो भी जारी हुए हैं, एक इंडिया गठबंधन की तरफ से, एक एनडीए गठबंधन की तरफ, पढ़े आपने? जी पढ़े हैं। मजबूत कौन सा लगता है? देखिए, मैनिफेस्टो पे तो हम लोग बात अगर करें तो मैनिफेस्टो चुनाव जीतने के लोग बनाते हैं। तमाम मैनिफेस्टो आप देख लीजिए, लोगों के वादे से सिफर हो जाते हैं। और धरातल पे क्या दिखता है और धरातल पे क्या क्या दिख रहा है, इस पे हम लोगों को ज़्यादा फोकस रहता है। क्योंकि देखिए, बातें तो कोई भी बोल देता है, ये जुमले होते हैं, चुनावी मैनिफेस्टो पर कोई बहुत वादा रह नहीं जाता। वोट लेने के लोग देते हैं, फ्री कर दो, ये कर दो, लेकिन कर क्या रहे हैं, किससे ले रहे हैं, किसको दे रहे हैं? तो समुच्चय में एक विकासवादी उनका ढांचा होना चाहिए, तो मैनिफेस्टो से ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। बिल्कुल। आप किस विभाग से हैं? जी, मेरा कंप्यूटर एप्लीकेशन है, सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ मैं, और मैं बेसिकली बलिया से आता हूँ। तो अगर मुद्दों की बात करें तो युवाओं के बीच में सबसे बड़ा मुद्दा होने जा रहा है इस बार, खास तौर से बलिया गाजीपुर से क्षेत्र में आप देखते हैं, तो यहाँ के युवा मतलब बचपन से उनका सपना रहता है कि हम जाएंगे नौकरी करेंगे, फौज की नौकरी करेंगे, सैनिक बनेंगे। लेकिन इस सरकार ने जो अग्निवीर योजना लाई है, 4 साल की योजना लाई है, उससे युवाओं पर खासा प्रभाव पड़ा है। मतलब जहां हम देखते थे कि हर सुबह रोज युवा निकल जाते थे, दौड़ते थे रास्तों पर, आज युवाओं के अंदर जोश खत्म हो चुका है। लगभग कोई भी ये नहीं चाह रहा है कि हम इस योजना का लाभ उठाएं। आज युवा के अंदर निराशा छा गई है, जिसका सपना था कि हम कभी जाकर देश की सेवा करेंगे, वो भी निराश हो गया है, उसको रास्ते नहीं मिल रहे, वो क्या करे सामने। कहीं ना कहीं जिस क्षेत्र से अभी 7वें चरण का चुनाव बाकी है, मुख्यतः बलिया गाजीपुर से क्षेत्रों में चुनाव होंगे, तो युवाओं के बीच में सबसे बड़ा मुद्दा जो रहने वाला है, ये योजना जो अग्निवीर की रही है, ये पूरा पुरजोर तरह से रहने वाला। और इस योजना को हर धर्म संप्रदाय जाति के युवा सपोर्ट कर रहे हैं। मैं आ रहा था तो कई युवा मुझको मिले जो किसी और मतलब जाति है पर्टिकुलर पे बिलोंग करते हैं, तो उनका भी कहना यही था कि नहीं भैया, हम इस मतलब नीति का हम विरोध करते, भले ही हम क्या वो इनके सपोर्टर थे, पिछली बार हमने इनको वोट दिया था, लेकिन इस बार हम इनको वोट नहीं देंगे। तो युवाओं के बीच में सबसे बड़ा मुद्दा जो होने जा रहा है, रोजगार का होने जा रहा है, नौकरी का होने जा रहा है। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में काफ़ी वैकेंसियाँ खाली हैं, विपक्ष तो दावा करता है कि लगभग 30 लाख वैकेंसियाँ खाली है, लेकिन विपक्ष की बातों को मैं दरकिनार कर दे तो संसद में तक गवर्नमेंट का ही मतलब बीजेपी गवर्नमेंट खुद एक्सेप्ट की है कि 10 लाख वैकेंसियाँ सेंट्रल गवर्नमेंट में खाली हैं, और इन 10 लाख वैकेंसियों में 3.5 लाख वैकेंसियाँ जो आती हैं वो रेलवे की होती हैं। लेकिन हम रेलवे में क्या देखते हैं, 5 साल में वैकेंसी आई कितनी आई, 5000, लगभग 4 से 5000 वैकेंसी आई, 3.5 लाख में 5000 वैकेंसी आना, आप खुद इस पर अनुमान लगा सकते हैं। और ये 10 लाख में सारी वैकेंसी वो जो ग्रुप ए से ग्रुप डी पूरी की पूरी वैकेंसी आती है। और हम दूसरी तरफ देखने जाए तो मोदी सरकार ने काफ़ी विकास किया, हम मैं उसका समर्थन देता हूँ, और बाकी जो वंदे भारत ट्रेन, लेकिन सोचने वाली बात है, ये विकास उन्हीं लोगों को मिल पा रहा है जो अंबानी अडानी टाइप लोग हैं। आप अगर देख रहे हो तो यहाँ पर मोदी सरकार ने वंदे भारत तो चला दी, लेकिन आप देखिए कौन सा गरीब किसान मजदूर उसमें बैठ पा रहा है। आप अभी देखते होंगे कि कई सारे वीडियो वायरल होते हैं कि रेलवे के सेकंड एसी कोचेस में पूरा भीड़ हो गया, थर्ड एसी कोचेस में भीड़ हो गया, क्यों हो गया भीड़? सरकार को इन सब चीज़ों पर विचार करना चाहिए, क्योंकि आज धीरे देखे जाएंगे तो कहीं ना कहीं सरकार जो गरीब लोग हैं मजदूर, उनको दबाने का भी काम करे, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बच रहा है। अगर आप रेलवे की व्यवस्था देख ले तो वही पूरा सिस्टम बन चुका है। और आते हैं, मैं बलिया से आता हूँ, तो जो मोदी जी की सबसे पहली शुरुआत थी जो सिलेंडर देने की, वो बलिया से किए थे मोदी जी। तो उस योजना में क्या सबसे बड़ी खामी उसकी क्या थी, उस योजना में मतलब धांधली बहुत ज़्यादा की गई थी, पैसे लेकर लोगों के नाम जोड़े गए थे। अगर आप मोदी जी की वो योजना देखते हैं, होम रोज मतलब घर दिए, घर वाली योजना देखते हैं, आवास योजना, हाँ मोदी जी की जो आवास योजना देखते हैं, उसमें भी पूर्ण से धांधली की गई। मतलब जिनके पास जिनको आवास मिल रहा था उनसे मतलब बिचौलिया के 20-25 हज़ार रुपये बैठने का काम कर रहे थे, और ये भी दावा कर रहे थे अगर पैसे नहीं देंगे तो हमको आवास नहीं दिलवाएंगे, पैसे नहीं उनके खाते में डलवाएंगे। नाराजगी है आपकी उम्र के युवाओं को? हाँ, नाराजगी तो है, युवाओं के बीच में बहुत ज़्यादा नाराजगी है, और वो युवा मुझे लग रहा है कि सब पूरी तरह मिलकर गठबंधन की तरफ जा रहा है। कौन सा वाला गठबंधन? महागठबंधन की तरफ, इंडिया अलायंस की तरफ जा रहा है। इंडिया अलायंस। आप क्या कह रहे हैं, नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम राणा रोहित है, मैं यहीं से पीएचडी कर रहा हूँ। पीएचडी कर रहे हैं, तो क्या लगता है इस बार कहाँ से पहले आते हैं? मैं बिहार के मुजफ्फरपुर से आता हूँ। बिहार से? तो बिहार में तो राजनीति कभी कभी पलट जाती है, कभी अक्सर ही पलटती, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री आपके, क्या देखते हैं इस बार? देखिए, हम मुद्दों पे बात करें, व्यक्ति केंद्रित राजनीति को बहुत महत्व नहीं देते हम। बिल्कुल, मुद्दे क्या होने वाले? मैं बिहार से आता हूँ, पिछले 7 सालों से उत्तर प्रदेश में हूँ। दो अप्रोच की सरकार है, एक अप्रोच है जिसमें 17 साल का आप कह सकते हैं महागठबंधन की सरकार है, और दूसरी तरफ हमें लगता है कि 7-7.5 सालों से उत्तर प्रदेश में जो है योगी आदित्यनाथ की सरकार है। एक तरफ 2021 की जो वैकेंसी है जो हायर की, वो अभी तक उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में इनकी शिवराज सिंह की सरकार है, 2 सालों तक वो फॉर्म ही फिलअप कराते रहते हैं, और तेजस्वी यादव और कांग्रेस और जो दूसरी लेफ्ट पार्टी की सरकार थी, 17 महीनों में जो है आप कहेंगे 3.5 लाख वैकेंसी
क्लियर कराई। सुबह में एग्ज़ाम होता था, शाम में आंसर सीट आता था, एक महीने के भीतर ज्वाइनिंग हो जाती थी। तो 3.5 लाख नौकरी का जो है ना, और हम युवा को क्या चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन चाहिए अफोर्डेबल रेट में, और दूसरा जो है अगर हम पढ़ लिख लें तो उसको रोज़गार के बेहतर साधन चाहिए। ठीक कहा मृत्युंजय तिवारी जी ने, हम इनकी बातों से पूर्णतः सहमत है कि ये सरकार जो होनी चाहिए वो गरीबों के लिए होनी चाहिए, मध्यम वर्ग के लिए होनी चाहिए, युवाओं के लिए होना चाहिए। लेकिन ये भूल जाते हैं कि युवाओं का इसी सरकार में जो है, जिस आप हॉस्टल की तस्वीर आप देख रहे हैं, इसकी जब फीस जब मृत्युंजय भैया आए थे तो 850 से भी कम था, आज 6000 से अधिक हो गए हैं और इसी सरकार ने बढ़ाया है। अब भूल जाते हैं कि UGC का जो फंड कट है वो 61% होता है, ILO की रिपोर्ट जो बेरोजगारी के होते हैं, उन्होंने रोजगार की बात की, वो 83% जो है लोग बेरोजगार हैं, और जितना आप पढ़ेंगे आपके बेरोजगार होने की संभावना उससे उतना ही बढ़ेगी, ऐसे आंकड़े आ रहे जो बहुत डरावने हैं। तो आप बताइए कि एक युवा जो विश्वविद्यालय में आज की सोचता है वो कहाँ जाएगा, वो कितना हताश होगा। दूसरी तरफ इस सरकार के अप्रोच देखिए कि जब कोई वैकेंसी आती है तो उसके लगातार पेपर लीक हो जाते हैं, और पेपर लीक हो जाते हैं, यही गाजीपुर के एक छात्र गया और कंप्लेन करने तो वहाँ की DM साहिबा उस पर FIR करा दी। इलाहाबाद में लड़कों पे जो है लाठियाँ बरसाई जाती है, इनका भी दिल पसीजता होगा निश्चित तौर पे। अब 16 लाख करोड़ जो है अंबानी अडानी का जो है माफ़ कर देते हो, अब बताइए अगर आप इनसे जब पूछेंगे ना, आप इन्होंने बात किया ना भाई कि हम एक पक्ष जो है कि वंदे भारत ट्रेन या फिर दूसरी जो महंगी क्लास की जो ट्रेनें आई है, अलग अलग एयरपोर्ट जो बने हैं उस पर क्या हम जो निम्न वर्ग के जो छात्र आते हैं जिनके घर से आटा चावल गेहूँ बेच के पैसा आता है, क्या वो चट सकता है? वो सोच भी नहीं सकता है कि वो 4000 रुपये सिर्फ किराए के लिए दे सकता है रेलवे की भाड़े पर। 4000 तो हमारे मतलब पूरे महीने के खर्च होते हैं, 4000-4500। और आज वो जिस प्रकार से बढ़ रहा है ना, 15 तारीख को भैया खर्च ख़त्म हो जाते हैं। आप बताइए कि फीस का अनुपात जो है आपने लगभग 10-10 गुना तक बढ़ाया इसी विश्वविद्यालय में, लेकिन जो PhD ये भी कर रहे हैं, PhD मैं भी कर रहा हूँ, जब ये आए थे इनसे पहले भी जो लोग आए थे 2006 में उनकी फेलोशिप भी 8000 थी नॉन GRF, हमारी फेलोशिप भी 8000 है। अब जब हॉस्टलों का किराया 6-6 गुना बढ़ गया, लाइब्रेरी के चार्जेस 10-10 गुना बढ़ गई, किताबों की संख्या आधी हो गई, 2014 से पहले की जो सरकार जो लाइब्रेरी में 5000 किताबें लाती थी, आज वो किताबों की संख्या 3000 रह गई है। कुलपति रोज़ एक फरमान जारी करते हैं, रोज़ सुबह उठने में पता चलता है कि सिर्फ पैसे की बात है। तो आखिर केंद्र सरकार पैसे क्यों नहीं भेज रही है, और कुलपति जो है इतना लाचार क्यों है कि वो पैसे की जुगत में जो है रोज़ पेड़ कटवा रहा है। आज भीषण गर्मी है, दिन में मैं सोया था तो ऐसा लग रहा था कि मैं एक्सरसाइज करके शायद उठा हूँ क्या, जो आप अपनी बनियान की जो गाड़ेंगे तो पसीना गिर जाएगा, इस तरह की स्थिति है बनारस में। और उस स्थिति में विश्वविद्यालय के भीतर 500 से अधिक पेड़ काट दिए गए, सिर्फ ये कह के कि 20 साल से अधिक हो गए हैं पेड़, उसकी कीमत नहीं मिलेगी। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या वो हवा नहीं देता है, क्या वो छाया नहीं देता है, क्या वो हमारी गर्मी को शांत नहीं करता है? तो आखिर पैसों की भूख जो है इतनी क्यों बढ़ रही है? जो आप गरीब मध्यम वर्ग से, जो किसान परिवार से जो आटा चावल गेहूँ बेच कर जो है एक सपना देख के आता है कि विश्वविद्यालय जब हम आएंगे ना तो बेहतर शिक्षा मिलेगा और उस शिक्षा के माध्यम से हम बेहतर रोजगार के अवसर तलाश करेंगे, इन दोनों पे हमले क्यों हो रहे हैं ये दोनों लोग? ये नाराज़गी आप देख रहे हैं, ये छात्र अपनी अपनी जो बातें रख रहे हैं काफ़ी गहरी बातें हैं। आपका नाम भैया क्या हुआ? मैं राजीव नैनी, MA इकोनॉमिक्स का छात्र हूँ। MA इकोनॉमिक्स, देश की अगर इकोनॉमी पर बात की जाए, आप लोग तो इंटेलेक्चुअल क्लास हैं, क्या लग रहा है जिसकी बात की जाती है इकोनॉमी बढ़ रही है, क्या वाकई में बढ़ी है? देखिए दो अप्रोच है, लोग ट्रिलियंस की बात कर रहे हैं कि आज हम जो है टॉप फाइव में आ गए हैं इकोनॉमी के मामले में, GDP के मामले में, और क्या PPP के मामले में नंबर 3 पर थे, वो मनमोहन सिंह जी के समय से ही नंबर 3 पर थे। इकोनॉमी का साइज तो बढ़ रहा है, लेकिन क्या पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है? क्या बिल्कुल नहीं बढ़ रही है। अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ रही होती तो आपको देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो फ्री राशन नहीं देना होता। आप 80 करोड़ लोगों को 5 करोड़ फ्री राशन दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, यानी 140 करोड़ की आबादी में क्या 105 करोड़ लोग गरीब हैं? पिछले 10 वर्षों में आपने यही किया है, लगातार शिक्षा महंगी की जा रही है। क्यों की जा रही है? ताकि झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, जितने भी आदिवासी और दलित बहुल इलाके हैं वहाँ के बच्चे बड़े बड़े केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पढ़ने नहीं आ सके। ना उनको ना हम शिक्षा देंगे, ना रोजगार देंगे, ताकि वो सरकार से सवाल ना कर सकें। जबकि लोकतंत्र में यह होता है कि सरकार से सवाल पूछना जरूरी होता है, लेकिन इस सरकार का रवैया तनाशाह की ओर बढ़ता जा रहा है। आप देखे होंगे
कि हर हर एक विश्वविद्यालय में एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है, ये वही BHU है, 2.5 साल हो गए यहाँ BC को आए हुए लेकिन अभी तक एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन नहीं हुआ है। BC को यह घमंड है कि वो अमित शाह की कोटे से आए हैं तो वह जो आदेश दे देंगे वह राजा का आदेश होगा। BHU में छात्र संघ नहीं है, छात्रों की आवाज़ कौन उठाता है? छात्र संघ उठाता है। आप देखते होंगे DU में छात्र संघ है, GNU में छात्र संघ है, लेकिन BHU में इस तक छात्र संघ नहीं हुआ है। तो यह सरकार पूरी तरह से विफल है और युवा बहुत नाराज है इनसे। कहाँ से आते हैं आप? मैं झारखंड से आता हूँ। झारखंड, देखिए झारखंड से आए हूँ, अलग अलग जो मैंने स्टार्टिंग बात की, अलग अलग राज्यों से आते हैं और अलग अलग जिलों से यहाँ पे छात्र पढ़ते हैं। आप कहाँ से भैया? मैं बलिया जिले का रहने वाला हूँ। नाम क्या हुआ? हर्ष त्रिपाठी नाम है मेरा। पंडित जी, क्या मुद्दे रहेंगे आपके? मुद्दे वही रहेंगे, रोजगार, शिक्षा, प्रशासनिक व्यवस्था, यही सारे मुद्दे रहेंगे हम लोगों का। किस विभाग से हैं? मैं प्राचीन इतिहास एवं पुरातत्व विभाग से हूँ। इतिहास से हैं, क्या लगता है वाकई में क्या इतिहास को छुपाने की कोशिश की जाती है जिस तरीके से व्हाट्सएप पे वीडियो तमाम सारी जो नई चीज़ें जो आती हैं लोगों तक पहुंचती हैं, क्या लगता है इतिहास वाकई में छुपाने की कोशिश की जा रही है, एक नया इतिहास गढ़ा जा रहा है? ऐसा नहीं, इतिहास को छुपाने का काम हो रहा है, जैसे कि बड़े भाई ने कहा ये इस सरकार के नई गठन के बाद सारे समस्याओं का निराकरण हो जाएगा, मुझे जहाँ तक लगता है कल के बाद सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा एक नई सरकार के गठन के बाद। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। नई सरकार किसको देखते हैं? भाजपा फिर से। तो एक प्रश्न जो लगातार लोगों के बीच में आता रहा कि व्हाट्सएप के थ्रू गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती, क्या वाकई में ऐसा लगता है? नहीं, ऐसा नहीं लगता है। कुछ चीज़ें हैं, चीज़ों को उलझाने के लिए सब किया जाता है, भ्रमित करने के लिए लोगों को किया जाता है, बीच बीच में किसी के वीडियोज वायरल होते हैं, लेकिन ऐसा ग्राउंड लेवल पे चेक करने पे ऐसा नहीं होता है। मोदी जी की अभी वीडियो वायरल थी जिसमें बोलते हैं गांधी जी के बारे में विश्व नहीं जानता था, एक मूवी आई उसके बाद सब जान पाए, क्या ऐसा था? पहले नहीं जानते थे आप गांधी जी? नहीं, सब लोग जानते थे, मुझे लगता है कि उनको ये नहीं कहना चाहिए था, लेकिन सब देश कब आज़ाद हुआ था ये बता देंगे। हाँ, 1947 में आज़ाद हुआ था। लेकिन कंगना रनौत नेता है, चुनाव लड़ रही हैं, वो 2014 बोलती हैं, उनको लगता है कि मोदी जब आए तभी आज़ाद हुआ। गलती है कि गलती नहीं? है, गलती है, त्रुटियां हैं, त्रुटियां हैं, ये सब सुधारनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा इसके बारे में, सोचना जरूरी। देखिए सब बातें होती हैं, समर्थकों से भी हम क्वेश्चंस करते हैं। आपका भैया नाम क्या हुआ? मेरा नाम शिवान सिंह है, मैं स्नातक द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ और मैं आजमगढ़ से रहने वाला हूँ। स्नातक द्वितीय वर्ष, विभाग कौन सा हुआ आपका? मेरा पर्यटन एवं आतिथ्य प्रबंधन है। तो पर्यटन में तो इस समय एकदम सब टॉप पे चल रहा है अपने देश में, आप काशी को ही उठा के देख लीजिए, यही काशी है जहाँ 10 वर्ष पहले आप देखेंगे यहाँ पे कोई जानता नहीं था, आज जाएंगे काशी विश्वनाथ, आप वहाँ की गलियों को देखेंगे, कॉरिडोर को देखेंगे, आप विकास 10 वर्ष पहले का इतिहास उठा के देखेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं था, आने जाने के लिए एक रास्ता तक नहीं था, आप आज के समय में आज जाएंगे वहाँ पे और देखेंगे तो कितना सुंदर, जहाँ लोग आज के टाइम में यही अभी समय था जहाँ 14 लाख के आसपास काशी में लोग आए दिन आते हैं और दर्शन करते हैं। 10 साल पहले कुछ ऐसे कॉरिडोर की आपने बात की है, कॉरिडोर तोड़ के बनाया गया है। तो कॉरिडोर तोड़ के बनाया गया है जहाँ पे वहाँ पे स्पेस कई शिवलिंग भी उसको दफना दिए गए 10 साल पहले था। ऐसा कोई बात नहीं है, ये भ्रामक समाचार है जो फैलाया गया था। एक शनि मंदिर के सामने दीवार भी खड़ी कर दी गई। दीवार खड़ी नहीं की गई उसको, वहाँ पे जो रास्ता था जिससे आने जाने के लिए लोगों को दिक्कतें होती थी। और बनारस के रहने वाले हो? नहीं, मैं आजमगढ़ के रहने वाला हूँ। और आजमगढ़ जो है समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, जहाँ से समाजवादी के बड़े बड़े नेता वहाँ से सांसद रहे हैं, मुलायम सिंह यादव भी वहाँ से सांसद रहे हैं। तो यार तो सांसद रहे हैं, बता रहे हैं, आगे बता रहे हैं, और वहाँ से राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अखिलेश यादव जी हैं वो भी सांसद रहे हैं, लेकिन अब वहाँ की जनता जाग उठी है, वो 10 वर्ष जब वो सांसद रहे हैं कभी आज तक जिले में झांकने नहीं आए, आजमगढ़ में वहाँ पे आज तक कोई विकास नहीं हुआ। आप जानते हैं आजमगढ़ हमेशा कानून के लिए जाना जाता था, वहाँ पे हमेशा कानून व्यवस्था जो हमेशा उठाई जाती थी, क्योंकि आए दिन जो भी घटना होता था, कोई भी घटना होता था तो वहीं से आतंकवादी निकलते थे। तो ये समाजवादी पार्टी जो है गुंडों माफियों को संरक्षण देने वाली पार्टी है, और समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है, आप आजमगढ़ में देखेंगे न तो वहाँ पे शिक्षा है, न तो वहाँ पे एक अच्छी परिवहन की व्यवस्था है। आप इस 10 वर्ष पहले देखेंगे लोग वहाँ से कहीं अगर रूम लेना चाहते थे, अगर मैं इलाहाबाद जाके वहाँ तैयारी करना चाहता हूँ तो मुझे रूम नहीं दिया जाता, क्यों? मैं क्योंकि मैं आजमगढ़ जिले से रहने वाला था, क्योंकि वहाँ पे आजमगढ़ का जो लोग दंगा। कितनी उम्र हो गई भैया आपकी? मेरा अभी 20 साल है। कब आप गए थे बाहर हॉस्टल के लिए? मैं 12वीं तक मैं इलाहाबाद से ही पढ़ा हूँ। क्या उम्र थी लगभग उस टाइम? मेरा 16 साल थी। 4 साल पहले भाजपा ही सरकार थी? भाजपा की तो ही बता रहा हूँ ना। भाजपा ने कहा कि हमें नहीं मिलता था, मैं बता रहा हूँ। अब तो बहुत अच्छी सुविधा हो गई है, आप आजमगढ़ में उठा के देखेंगे एयरपोर्ट बन गया है, वहाँ पे एक विश्वविद्यालय नहीं था, आज आजमगढ़ में
राज्य विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया है, तो सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। आप दस आप समाजवादी पार्टी में कोई गिना दीजिए, वहाँ पे कोई भी आज तक कार्य नहीं किया गया है, न कोई विश्वविद्यालय। पूर्वांचल एक्सप्रेस जो आजमगढ़ से लेकर लखनऊ तक बना, भारतीय जनता पार्टी ने बनाई। बिल्कुल, लेकिन आप ही के जवाब में एक प्रश्न था, आपने कहा कि पहले हमें सुविधा नहीं मिलती तो हॉस्टल आजमगढ़ के होते तो नहीं मिलता था, सरकार तो भाजपा की रही, तो ऐसे ही आपने प्रश्न उठा दिया। पहले पहले जो मुझसे पहले के छात्र वहाँ रहते थे वो बताते थे कि हम जब यहाँ से जाते थे किसी अन्य जिलों में रूम लेकर पढ़ने के लिए, तो वहाँ के जो मालिक होते थे, रूम जो देने वाले होते थे, वो साफ साफ मना कर देते थे कि आजमगढ़ के लड़कों को रूम नहीं दिया जाएगा। अब मिल जाता, अब सुविधा मिल जाता, क्योंकि आजमगढ़ जिले को आतंकवादी जिले के नाम से जाना जाता था। बिल्कुल, आप जी भैया जी से बोल रहे थे कि वहाँ पे इलाहाबाद में भैया को रूम नहीं मिलता था, ये इनको तो ये कभी गए नहीं है, ये सुना सुनाई बात बस बोल रहे हैं। और मैं आपको अभी बता रहे, आप नागवा में जाएंगे तो वहाँ पे एससी एसटी ओबीसी को अभी तक रूम नहीं मिलता है। अगर आप बनारस जो नगवा है, आप रविदास गेट के आगे जाएंगे, वहाँ पे अभी भी एससी एसटी ओबीसी को रूम नहीं दिया जाता। इसका क्यों है ये? अब यहाँ के भाई क्योंकि उधर अधिकतर क्या बोलते हैं कि हाँ समानतावादी और आरएसएसवादी सोच वाले लोग ज़्यादातर रहते, तो उधर ना एस सी एस टी ओ बी सी को रूम उधर नहीं मिलता है। बिरादरीवाद आज भी चल रहा है जी भैया, बिरादरीवाद आज भी बहुत जातिवाद तो चरम सीमा पे इस समय। और आपने कहा ये आरएसएस के लोग करते हैं, आरएसएस के लोग और बीजेपी के लोग, मतलब जब से बीजेपी की सरकार है तब से बहुत ज्यादा बढ़ गया जातिवाद। जातिवाद और परिवारवाद तो ये तो समाजवादी पार्टी का हमेशा से हो रहा है। अभी क्या बता रहे हैं, कौन सी जगह बताया आपने जी भैया, कौन सी जगह बताया जाने? ये नगवा, आप रविदास गेट के अंदर चले जाइए, नहीं मिलेगा रूम आपको, नहीं मिलता यहाँ। आप गए कभी? ऐसा कोई बात नहीं, ये भ्रामक बातें फैला रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है। चलिए हमारे साथ, आप इलाहाबाद की बात बताएं तो भ्रामक नहीं है वो, ये बता रहे तो भ्रामक है। बात बोले, मैंने खुद गया भाई, मैं खुद वहाँ पे जाकर। क्या हुआ आपका? मेरा नाम शंभू कनौजिया, मैं गाजीपुर से बिलोंग करता हूँ। किस विभाग से पढ़ते हैं? मैं, मेरा विजुअल आर्ट है, मैं एक आर्टिस्ट हूँ। बढ़िया, हाँ कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ, वो मंदिर वाली बात पर ऐड कर देना चाह रहा हूँ। भाई ने कहा कि कोई मंदिर नहीं टूटा, भाई लंका थाने पर चले जाएं, कितने शिवलिंग रखे हुए हैं। बिल्कुल, एक कॉरिडोर को बनाने के लिए, वो कॉरिडोर शहर के बाहर ही बनाया जा सकता था, लेकिन 100, 200 साल, 300 साल, 500 साल पुराने जो ऐतिहासिक धरोहर थे, छोटे छोटे मंदिर थे, गलियों का शहर बना रहा था, उसे पूरी तरह से तोड़ दिया गया। बीजेपी वाले औरंगजेब की बात करते हैं ना, तो मैं खुले तौर पर कहता हूँ कि औरंगजेब के बाद अगर किसी ने सबसे ज़्यादा मंदिर तोड़ा है तो नरेंद्र मोदी के शासन में बनारस में टूटा है। ये बात जो है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस नहीं करता है, क्यों नहीं करता है? आखिर आप इतना ही आप धर्म को मानते हैं तो क्यों तोड़े आपने जो पौराणिक मंदिरों को, आपने क्यों तोड़ा? तो इनका जवाब इनके पास नहीं है। और ये क्या मॉडल दिखाते हैं? रामराज, रामराज में ऐसा नहीं होता था, रामराज में जो है इस यह नहीं मिलता था कि दलितों को आप रूम नहीं देंगे। अच्छा, एक प्रश्न और लूँगा, एक सेकेंड, गंगा घाट पर गए हैं? हाँ गए हैं। कौन कौन से घाट घूमे? पूरे काशी में 80 से 82 घाट हैं, यहाँ पे सारे घाट घूम लिए, सारे घाट घूमे। 80 घाट से लगभग 300 मीटर या 400 मीटर आगे बढ़े कभी? हाँ गए हैं। क्या स्थिति गंगा की? बहुत अच्छी है। आप पहले 10 वर्ष पहले का उठा के देखिए, यही गंगा अभी की। मैं सुबह घूम के, मैं सुबह घूम के इसलिए पूछ, लाश प्रभावित कर देते थे, लाश बवा देते थे, आज वर्तमान समय में देखेंगे। नाला बह रहा भैया, मैं सुबह गया हूँ। नहीं नहीं भैया, ये गया वीडियो, आप वर्तमान समय में गंगा की स्थिति देखेंगे, सुबह ही गया, आज यही गंगा है जहाँ लोग कहीं भी जाके नहाते हैं, आप कहीं भी जाके देखेंगे। एक वीडियो दूंगा आपको, देखिएगा। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अमिता है, मैं बीए सेकंड ईयर का छात्र हूँ। कौन से विभाग से? आर्ट्स फैकल्टी से हूँ। आर्ट्स फैकल्टी से। क्या मुद्दे हैं आपके, वोट किन मुद्दों पर? मेरा सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है और महिला सुरक्षा, और फिर उसके बाद इन्वायरमेंटल, जैसे कि यहाँ भी अभी देख रहे हैं कि कितने सारे पेड़ कटाई हो रही हैं और सरकार उस बात को मतलब इग्नोर भी करती है। जैसे कि अभी हसदेव जंगल काटा जा रहा है, लेकिन फिर सरकार उस पर मतलब कितने प्रोटेस्ट हुए, लेकिन उस बात को मतलब सरकार सुनती नहीं है। इन्वायरमेंट आपका बड़ा मुद्दा जी। और फिर यहाँ पे देखिए, जब 2016 से 50,000 से ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल बंद हो चुके हैं, तो शिक्षा भी एक बड़ा मुद्दा है अभी के समय में, कि गरीब जो वर्ग के जो आते हैं लड़के, वो कहाँ छात्र छात्रों कहाँ पढ़ेंगे, वो बहुत बड़ा मुद्दा है। प्राइवेट स्कूल में सब पढ़ने लायक नहीं होते। बिल्कुल, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में है, लगातार अलग अलग छात्रों से हमारी बात हो रही है, जो उत्तर प्रदेश के तमाम अलग अलग ज़िले से भी हैं, अलग अलग राज्यों से भी हैं, काफ़ी सारे मुद्दों पर बात हुई।
कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, और अगर आप छात्र हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और अपने मुद्दे ज़रूर लिखिए सातवें चरण का मतदान, क्योंकि अब कुछ घंटे बचे हैं जिसके बाद मतदान शुरू हो जाएगा और 4 जून को देश अपना प्रधानमंत्री चुनने जा रहा है। उसके पहले जो भी ये वीडियो देख रहे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा अपने मुद्दे और जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ, धन्यवाद।